फ्रेंड्स चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटिव। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पास TVS कंपनी का RTR 160 बाइक है और अभी जो भी BS4 या फिर BS6 बाइक है उन सभी बाइक में क्लच के रिलेटिव बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे देखने को मिल रहा है कि बाइक का क्लच प्लेट फूक रहा है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए बाइक का हमने इंजन ऑयल यहाँ पर बाहर निकाले हैं और इंजन ऑयल कैसा हो गया आप देखिए कितना ब्लैक हो गया है, जबकि ये इंजन ऑयल सिर्फ और सिर्फ 500 किलोमीटर चला हुआ है। बाइक का क्लच प्लेट खराब होने के कारण से इंजन ऑयल का ये कंडीशन हो गया, क्योंकि क्लच प्लेट जो है घिसने के कारण इंजन ऑयल जो है सो प्रॉपर खराब हो गया। TVS का पाचे RTR BS6 बाइक है, उन सभी बाइक में मुझे देखने को मिला है कि 3000 पे इससे पहले हम एक बाइक का क्लच प्लेट चेंज किए थे जिसका ये देखिए ये कैसे घिस गया है। देखिए 3000 किलोमीटर बाइक चला हुआ था और इसका क्लच हब देखिए कैसे घिस गया है। आप इसका इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाइक का कितना किलोमीटर क्लच प्लेट चला हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं आप कैसे घिस गया है और इसका एक क्लच सेंटर है, ये दोनों आप देख लीजिए कितना कट चुका है। यहाँ पे ये 3000 किलोमीटर चला हुआ बाइक का क्लच हब सेंटर हमने चेंज किए, क्लच असेंबली चेंज किए थे। दूसरा है ये बाइक का देखिए, दूसरा जो है ये हमने 15000 किलोमीटर पर क्लच प्लेट चेंज किए थे, उसका ये क्लच हब है और उस बाइक का ये क्लच सेंटर है, ये देखिए कैसे घिस गया है। अभी जो BS6 बाइक में हम देख रहे हैं ना क्लच के रिलेटिव बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि बाइक का क्लच प्लेट कुछ दिन चलने के बाद फूक रहा है, जल रहा है, जबकि आप जेन्युइन क्लच प्लेट लगाते हैं तो 800-900 तक समथिंग इसका प्राइस आ जाता है, फिर ये क्लच हब का जो है सो प्राइस 350-400 का समथिंग आएगा, फिर क्लच सेंटर का प्राइस 150-200 तक तकरीबन आएगा, टोटल मिला के आपको फिर मैकेनिक चार्ज भी लग जाएगा, इंजन ऑयल आ जाएगा, 2000-2500 तक आपको झटका लग जाता है सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 हज़ार किलोमीटर बाइक चलते चलते में। तो फ्रेंड्स अभी हम इस बाइक में TVS का जेन्युइन क्लच प्लेट नहीं फिट करेंगे क्योंकि, और ये देखिए क्लच हब जो है प्रॉपर सही है, TVS का जेन्युइन क्लच हब है और ये जेन्युइन क्लच सेंटर है, जेन्युइन पार्ट है। तो फ्रेंड्स जब भी आप बाइक का क्लच प्लेट चेंज करें, चाहे वो TVS का बाइक हो, हीरो का हो, यामाहा का हो, क्लच कवर को क्लच वाले जो साइड है इसको अच्छा से आप डीजल या पेट्रोल से अच्छा से इसको क्लीन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आप यहां पर देख रहे हैं टोटल पार्ट को हमने अच्छा से यहां पर क्लीन कर लिया है और इस बाइक में अभी हम TVS का जो जेन्युइन RTR का क्लच प्लेट है वो क्लच प्लेट नहीं फिट करेंगे क्योंकि जेन्युइन क्लच प्लेट बहुत जल्द खराब हो जाता है, जल जाता है। यह है TVS अपाचे RTR का क्लच प्लेट और इसका प्राइस का बात कर ले यहाँ पे तो देखिए 259 रुपये इसका प्राइस है और ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है। आपको यहाँ पे TVS अपाचे RTR लिखा हुआ दिख रहा होगा और ये बॉस कंपनी का क्लच प्लेट है, ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है। हमने 3-4 बाइक में इस क्लच प्लेट को यूज किया है कि अभी तक मुझे देखने को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, जो क्लच प्लेट फूक रहा है या जल रहा है ऐसा प्रॉब्लम अभी तक मुझे देखने को बिल्कुल नहीं मिला है। अभी हम इसको, आप लोग भी क्लच प्लेट से परेशान है तो एक बार आप बॉस कंपनी का क्लच प्लेट बाइक में जरूर फिट करें। लोगों के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि बाइक का क्लच प्लेट बहुत जल्द फूक रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बतलाइए। तो फ्रेंड्स अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ये जो बॉस कंपनी का क्लच प्लेट है इसको चलिए हम अनबॉक्सिंग करके आपको दिखला रहे हैं कि इस क्लच प्लेट का जो क्वालिटी है वो कैसा दिखता है और किस तरह का इसका क्वालिटी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको अनबॉक्सिंग हमने कर लिया, टोटल इसमें 5 क्लच प्लेट आ जाता है, 5-6 क्लच प्लेट है और इसका क्वालिटी का बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वालिटी भी इसका बेस्ट है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, इसका फिनिशिंग भी बहुत अच्छा है। तो आप लोग को बाइक में क्लच के रिलेटिव प्रॉब्लम है तो आप एक बार बॉस का क्लच प्लेट अवश्य फिट करें या नहीं तो आप फिर चाहे तो मैकेनिक का क्लच प्लेट फिट कर सकते हैं। कर लेते हैं क्लच प्लेट को फिट। अगर आपके बाइक में बहुत ही ज़्यादा क्लच प्लेट खराब हो रहा है, बहुत ज़्यादा, उस टॉपिक पे हमने एक वीडियो पहले बना रखा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। अगर आप मशीन से इस नट को टाइट कर रहे हैं तो आपको हाउसिंग कूलर की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लच के रिलेटिव अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। Yeah.
अब इस बैरिंग को हम यहाँ पे फिट कर लेते हैं। क्लच ठेसी के अंदर एक गोली दिया रहता है, ये गोली क्या कई बार क्या होता है गिर जाता है, तो हम लोग वैसे ही फिट कर देते हैं या तो फिर गोली गुम हो जाता है, फिर इससे थोड़ा बड़ा वाला गोली दे देते हैं। ये बॉल है, बॉल थोड़ा बड़ा दे देते हैं, इससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप इसी तरह का बॉल दीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए अब इस बैग में हम इस क्लच गैस्केट को यहाँ पर अच्छा से क्लीन कर लिया, इसमें नया क्लच गैस्केट फिट कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्लच कवर को फिट कर लेंगे। क्लच कवर को फिट कर लेते हैं यहाँ पे। आपको क्लच के रिलेटिव अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बैग में क्लच का काम करें तो नया इंजन ऑयल डाल दीजिए और इसके अंदर एक ऑयल फिल्टर लगा है, इसको तो आप चेंज प्रॉपर इसको चेंज कर दीजिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द हम फिर आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।